तो क्या हाल चाल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हिस्ट्री क्लास सिक्स चैप्टर सेवन अशोका द वॉर्स सो लेट स्टार्ट आर वीडियो हु फाउंडर ऑफ मोरियन एम्पायर मोरियन एम्पायर जो था उसका फाउंडर कौन था सो so, इसका जो राइट आंसर है वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे नेक्स्ट इज़ हु वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे मतलब उनके सलाहकार कौन थे तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाणक्य नेक्स्ट इज चाणक्य वाज आल्सो नोन एज जो चाणक्य थे उन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते थे तो वो क्या था विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त के अलावा चाणक्य को हम कोटल्या के नाम से भी जानते थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल आर शोन ओन आर नेशनल एम्बलम जो हमारा नेशनल एम्बल एम्बलम है जो कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उन पर से लिया गया है उसमें कौन कौन से जानवर हैं लोयन बुल सो so, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ लोयन एंड बुल सो नेक्स्ट इज वट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटर्न बाय कोटल्या जो कोटल्या थे उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थशास्त्र कोटल्या ने अर्थशास्त्र लिखी थी नेक्स्ट इज मैगस्थनीज वॉज सेंड एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ जो मैगनस्थनीज थे ग्रीक के जो कि सेलुकस निकोटर के द्वारा भेजे गए थे वो किसकी कोर्ट में भेजे थे तो उसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्या चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगस्थनीज़ एज एम्बेसडर बन के आए थे नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मेगस्थनीज़ जो मेगस्थनीज़ थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी सो so इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिका मैगसिन के द्वारा इंडी के नाम से पुस्तक लिखी गई थी नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन विच लैंग्वेज जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे तो इसका जरा इन आंसर है जो है प्राकृतिक प्राकृतिक ज्योतिष प्राकृतिक ज्योति एक ऑर्डनरी लोगों की लैंग्वेज थी इसी वजह से जो बुद्धा और महावीरा थे उन्हों के भी मैक्सिमम जो संदेश थे वो प्राकृत भाषा में ही थे नेक्स्ट इज इन विच इन एंशंट इंडिया उड़ीसा वॉज ऑल्सो नोन एज एंशंट इंडिया में उड़ीसा का जो नाम था वो क्या था सो so, इसका जो राइट आंसर है वो है कलिंगा कलिंगा को हम उड़ीसा आज के टाइम पे कहते हैं आफ्टर द कलिंगा वार द शोका टू द पॉलिसी टू कंकवर धम्मा जो उन्होंने जो थी वो धम पोलिसी को ले लिया था और जो संस्कृत में धम्मा का मतलब होता है धर्म नेक्स्ट इज अशोका इंस्क्रिप्शन वॉर रिटर्न इन विच स्क्रिप्ट जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो किस में थे? So, है, वो है स्क्रिप्ट. वो स्क्रिप्ट में लिखे गए थे सो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट अशोका के जितने भी मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है हाँ जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो किस ईयर में बनी थी सो so, इसका जो राइट आंसर है वो है चौबीस सौ साल पहले नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र मोरियाज गोट इट्स गोल्ड एंड पीसीस स्टोन फ्रॉम इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा साउथ इंडिया जो अर्थशास्त्र कोटल्या के द्वारा किताब लिखी गई है उसमें कुछ जो है कोटले के द्वारा बताया गया है कि जो अर्धवेमोरिया थे उन्हें गोल्ड और प्रीसेस स्टोन जो थे वो साउथ इंडिया से मिलते थे सो गाइस थैंक यू फॉर टुडे हैव नाइस डे एंड प्लीज कीप वॉचिंग गुड बाय